वंदे मातरम मित्रों, मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ, आपका चिरपरिचित शुभचिंतक हरकेश चौहान, एक प्राकृतिक चिकित्सक। आशा है आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आया हूँ। एक किसी बहन को बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में नसों में झटके चलते हैं, दर्द रहता है, तो उसके लिए एक मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। इसमें बहुत आसान उपचार बताऊंगा खुद से करने का, इससे आप सर्वाइकल भी ठीक कर पाएंगे, आपको पैरों में सुन्नापन आ रहा है उसको भी ठीक कर पाएंगे, कमर में कोई दर्द आ रहा है उसको भी ठीक कर पाएंगे, हाथों में कोई झटके लगते हैं, क्रैम्प्स जिसे बोलते हैं, नस में नस चढ़ना, उसमें फ़ायदा करेगा। तरीका बहुत आसान है लेकिन बड़ा अटपटा है, आप देख के बोलोगे क्या कर रहा है, लेकिन रिजल्ट बहुत जादुई रिजल्ट है उसका। लेकिन जैसे मैं बताऊँ वैसे ही करना है, कृपया करके गलती ना करें, कोशिश करना है मेरी कॉपी करने की। इसको करोगे तो बहुत फ़ायदा पड़ेगा। एक तो आपको पहले 15 मिनट के लिए इस तरह से ये उंगली देखिए, उंगली फंसाओगे और ऐसे करके बैठोगे, यूं करके बैठ गए आप बिल्कुल शांत चित मन होकर, बिल्कुल आराम से सांस भरते हुए नॉर्मल ऐसी मुट्ठी ऐसे को टाइट बंद कर लेना है, उंगली को ऊपर अंगूठे को दबा लेना है, और जब सांस छोड़ोगे तो आप बिल्कुल ढीला कर दोगे, फिर दोबारा से सांस भरेंगे, टाइट दबा लिया आपने, बिल्कुल स्ट्रेट लग गया और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल, करीबन आप 15 मिनट करना है। करने के बाद फिर ऐसे उंगली फंसाओगे अंदर की तरफ, पहले बाहर की तरफ थी अब अंदर की तरफ, इसको पारस मुद्रा बोलते हैं। अंगूठे का शेप इस तरह से रहेगा, जब सांस भरोगे अंगूठे को नीचे दबाओगे, उंगली को भी दबाओगे, लेकिन आपके हाथ में अंगूठियाँ नहीं होनी चाहिए, रिंग्स नहीं होनी चाहिए। सांस भरते हुए टाइट दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए ढीला, ये आपको 5 मिनट करना है। 15 मिनट वो था, 5 मिनट ये। करने के बाद सभी उंगलियों की आपने इस तरह से लिटिल फिंगर से शुरू करनी है, हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल मालिश करनी है, इतना टाइट करना कि आपकी उंगलियाँ गर्म हो जाएं, चाहे तो कोई आप तेल लगा लीजिए, ठीक है। करने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ मसाज, ये इस तरह सभी की करनी है, लिटिल फिंगर से आप शुरू करेंगे, पूरा अंगूठे तक लेके जाएंगे, दोनों हाथों की इस तरह से आपने करना है पूरा। करने के बाद लास्ट में कलाई की मालिश, ठीक है। और अब मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा समझ लेना, बिल्कुल ऐसे सीधे लग के बैठ गए, आपने कुछ नहीं करना, बस बैठना है और फिर ढीला छोड़ देना बदन को, फिर दोबारा से भरना है, सांस भरते हुए टाइट और सांस छोड़ते हुए ढीला। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एक इस तरह से लकड़ी का फट्टा होना चाहिए, चाहे आप उसको राउंड शेप में भी ले लीजिए, चाहे आप इस तरह से ले लीजिए, आप चाहो तो इसके ऊपर कपड़ा बांध लीजिए, कुछ भी कुशन हल्का सा कपड़ा लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करना है। आप करेंगे सर्वाइकल पे, मतलब गर्दन के ऊपर, लेकिन रिजल्ट आपको पूरी बॉडी पे मिलेगा, आपके हाथों में भी मिलेगा, आपके कमर में भी मिलेगा, आपके कंधे पे भी मिलेगा, आपको पैरों पे भी मिलेगा। आपको पहले लेफ्ट साइड से शुरू करना है, आपने जैसे ये लिया यहाँ पे, आप मेरे देखिए इधर ये हड्डी नज़र आ रही है पूरी, इस बोन की आपने हल्के हल्के हाथ से वाइब्रेशन करना है, एक तरह से कह सकते हो आप पिटाई करना। कैसे करना है ये देखिए मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट इस तरह से एक जगह पे। सबसे पहले आपने यहाँ पे करना, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा पॉइंट है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर नंबर 20, GB20, आपने इसकी पिटाई करनी है। आप करोगे महसूस करोगे आपके हाथों में भी आपको वाइब्रेशन शुरू हो गई है, आपके पैरों में भी आपको बड़े झटके से आपको महसूस होने शुरू हो जाते हैं, सही ढंग से अगर पॉइंट को पकड़ेंगे तो आपसे इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका सर्वाइकल भी ठीक हो रहा है, माइग्रेन भी ठीक हो रहा है, सिर का दर्द भी ठीक हो रहा है, कमर का दर्द भी ठीक हो रहा है, हाथों का भी, घुटने का भी। कुल मिला के देखिए मैं इसे पिटाई करता करता यहाँ तक कंधे तक लेके आ रहा हूँ, बस यहाँ तक आपने हल्के हल्के हाथ से ऐसे बीट करना है और फिर पीछे की तरफ लेके जाना है, पीछे यहाँ पे बिल्कुल हल्के हल्के, ज़्यादा टाइट नहीं दबाना, पहले बोल रहा हूँ बिल्कुल आराम से आपने ऐसे वाइब्रेट, ऐसे थपकी से लगानी है, स्ट्रोक लगाना है। फिर राइट साइड करेंगे आप सेम, पहले इसी पॉइंट के ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का यूँ, आप करते करते महसूस करोगे आपके सभी पंजों के अंदर करंट सा दौड़ रहा है, हाथों में भी दौड़ रहा है, बिल्कुल सही एक्यूरेट अगर आप पकड़ में आ गया तो, ये पॉइंट बहुत आसान है। जहां आपको लगे आपने महसूस करना है कि हल्का हल्का ऐसे पिटाई सी करते हुए कि आपके पैरों की तरफ ध्यान रहेगा, उंगलियों में कुछ आपको कंपनसी हो रही है क्या, तो समझो जहां आपको कंपनसी हो रही है समझ लीजिए आपका पॉइंट वही है। तो इसको करीबन 1-1.5 मिनट हल्का हल्का ऐसे बीट कीजिए, करने के बाद फिर नीचे आ जाइए, ऐसे पूरा करते करते करीबन 4-5 मिनट का योगा यहाँ तक ले जाइए, फिर लास्ट में यहाँ पे पीछे बिल्कुल बैक में बिल्कुल हल्का हल्का यहाँ तक शोल्डर तक पीछे यहाँ इधर स्पाइन तक आपने हल्का हल्का ऐसे वाइब्रेट करना है,
आपको ये करने से एक चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, कंधे रिलैक्स हो जाएंगे, कमर रिलैक्स हो जाएंगे, घुटने रिलैक्स हो जाएंगे, पैरों की दिक्कत सीआईटी का वो भी दूर हो जाएगी, स्लिप डिस्क भी ठीक होगी, माइग्रेन भी ठीक होगा। करने के बाद हल्का हल्का ऐसे प्रेशर यूँ ऐसे दबाना है, ये करने के बाद बिल्कुल लाइट इस तरह से दबाइए, ठीक है, अपोजिट हाथ से यूँ पूरा, ठीक है। और जैसे बार बार कटिंग करने के बाद खींचते हैं तो पकड़ के यूँ से ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, आप खुद एक चमत्कारिक लाभ देखेंगे। फिर सांस भर के लास्ट में आपने गर्दन को पीछे धक्का मारना है, सिर को मतलब दीवार को धक्का मारना है जितना आप मार सकते हो, ये प्रक्रिया करेंगे। और धक्का मारने के बाद आपने कंधों को रोटेट करना है, ये पूरा गर्दन आपकी टिकी रहेगी दीवार के साथ, आपके क्लॉक एंटी क्लॉक ये ऐसे रोटेट करना है, आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। सिंपल सा योगा है, आप ये करने की कोशिश करना तरीके से जितना मैंने बताया उतना ही आपने बीट करना है। ज़्यादा करोगे तो आपको चोट लग जाएगी, बिल्कुल प्यार से करना है, खुद ही सेल्फ करना है, आप देखना बहुत फ़ायदा पड़ेगा। इस वीडियो को आप हर किसी के सामने शेयर करो, वायरल कर दो, ताकि लोग छोटे से ट्रीटमेंट के द्वारा अपना सर्वाइकल भी ठीक कर पाए, माइग्रेन भी ठीक कर पाए, सर दर्द जिसे बोलते हैं, और बाकी दिक्कतें भी। और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपको ऐसी जन सेवा में बहुत सी अच्छी अच्छी चमत्कारिक वीडियो लेके आऊँ जो आपने कभी आज तक ना देखी होंगी। ऐसे ऐसे मैं चमत्कारिक योग लेके आऊँगा जिससे आप लाभान्वित होंगे और मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे और मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मैं फिर दोबारा से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।